अध्ययन करेंगे अभियोग्यता के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में। तो जैसे ये अभियोग्यता नाम से ही स्पष्ट होता है, अभी प्लस योग्यता, अर्थात आपकी जो योग्यता होती है, आपकी जो एबिलिटी होती है, आपकी जो कैपेसिटी होती है, उसको अभियोग्यता बोलते हैं। देखिए इसी अभियोग्यता के कारण क्या होता है, इसी अभियोग्यता के कारण कोई व्यक्ति जो होता है वो घास काटने की योग्यता रखता है, कोई हीरो बन जाता है, कोई हीरोइन बन जाती है, कोई टाइपिस्ट बनने की योग्यता रखता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है। तो उसका रीज़न है कि हमारी कैपेसिटी जो होती है अलग अलग होती है। क्लास में आपको पढ़ा रहे होते हैं तो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। तो ये कैपेसिटी है आपकी, आपका जो अभिक्षमता है वो ग्रहण करने की योग्यता सब में अलग अलग होती है, ठीक है। और इसको हम वन वर्ड में बोल सकते हैं, जैसे कि इसका एक डेफिनेशन है, अभियोग्यता एक स्थिति या विशेषताओं का समूह है जो यह इंगित करता है कि व्यक्ति किस विशेष ज्ञान योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीत बनने की योग्यता, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। अर्थात यहाँ मतलब हो गया कि आपके एक विशेषता होती है जिसके कारण आप कुछ बन पाते हो। आपके अंदर एक विशेषता है कि आप यहाँ टीचर ट्रेनिंग ले रहे हो क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो। तो टीचर बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप टीचर, आप जो बीएड की कोर्स है उसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो आप अपने अंदर एक अभियोग्यता विकसित कर रहे हो। अगर आप बीएड के सिलेबस को नहीं समझते तो क्या क्या होता, आप टीचर बनने की योग्यता नहीं रखते। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टीचर बनने की योग्यता का विकास करो अपने अंदर। आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए कि आप टीचर की क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वही होता है अभियोग्यता। जैसे कि आप यहाँ संगीतज्ञ बनने हो तो आप टीचर बनने की योग्यता रखते हो और यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास होता है। देन हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड को मैंने वहाँ पोटेंशियल एबिलिटी, आपकी जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, आपकी समझने की योग्यता जो होती है, वो सारी चीज़ होती है। कोई बच्चा साइंस को जल्दी कैच कर लेता है, कोई साइंस को कैच नहीं करता है, कोई मैथ्स को कैच करता है, कोई मैथ्स को कैच नहीं करता है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है अभियोग्यता में। अभियोग्यता की मैंने कुछ विशेषताएँ बताई हैं। जैसे अभियोग्यता में किसी व्यक्ति की अभियोग्यता वर्तमान गुणों का समुच्चय होता है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। वर्तमान गुणों का समुच्चय होता है, आपके अंदर टीचर बनने की क्वालिटीज़ है, आप बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप सारे गुणों को अडॉप्ट कर रहे हो और ये आपके भविष्य की ओर इंगित कर रहा है कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, टीचर बनोगे। उसके बाद हम देखते हैं अमूर्त संज्ञा, इसको बोला जाता है। अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम ना हो करके एब्स्ट्रैक्ट की बात करता है, अमूर्त संज्ञान की बात करता है। यह व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, इसीलिए व्यक्ति के गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करती है, ठीक है। तो यह एब्स्ट्रैक्ट की बात करता है कि आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, आप क्या आगे कर सकते हो। उसके बाद है भविष्य का संकेतन। जैसे मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, अगर संगीत की क्वालिटीज़ है तो आप संगीतज्ञ बनोगे, अगर आपके अंदर कलाकार की क्वालिटी है तो आप कलाकार बनोगे, आपके अंदर टीचर है, प्रोफेसर है या फिर टाइपिस्ट है, आप जो भी बनना चाहते हो, ये हमारे एबिलिटीज़ जो होती है, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हमारे भविष्य की ओर संकेत करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, नंबर 3 है आपका जन्मजात और अर्जित गुणों का लक्षण होती है। देखिए सिर्फ यहाँ पर सिर्फ किस चीज़ की बात नहीं हो रही है कि हमको सिर्फ जन्मजात नहीं मिलता है, बल्कि जन्मजात आपके अंदर थोड़ा सा क्वालिटीज़ मिल गया, जन्मजात की आपको बुद्धि बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन उस बुद्धि का विकास आप स्कूल में जाके नहीं कीजिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये अर्जित भी होता है और साथ ही साथ वातावरण के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से हम क्या कर लेते हैं और बांधने का काम करते हैं, तो एबिलिटीज़ जो होती है और विकसित हो जाती है। तो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जो भी एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड की बात होती है अभियोग्यता का, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभियोग्यता और रुचि में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि अभी मान लीजिए आपको साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस हम पढ़ने के लिए दे देंगे तो आपकी अभियोग्यता का बहुत ज़्यादा विकास होगा। आपको अगर बायो में प्रॉब्लम हो रही है और हम बायो पढ़ने के लिए दे देंगे तो आपकी अभियोग्यता कम हो जाएगी। तो इसीलिए अभियोग्यता और रुचि में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। तो आज हमने जाना है कि अभियोग्यता क्या होता है, अभियोग्यता की विशेषताएं क्या है। तो इस तरह आज हमारा समाप्त होता है अभियोग्यता। थैंक यू सो मच।